मैं हूं अभी दुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की पिटाई पर होम मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री भागे भागे आए थाने। बेंगलुरु तुमकुरु के बीच रहे टिपटूर में कानून को अपने हाथ में लेकर पुलिस के बिना ही कसाई खाने में दादागिरी करके बंद करवाने गए बजरंग दल वालों को दुकान मालिकों की ओर से पिटाई करने का आरोप है। इस घटना के बाद अपने कार्यकर्ताओं के लिए थाने भागे भागे आए होम मिनिस्टर अरग ज्ञानेंद्र और शिक्षा मंत्री BC नागेश ने हमलावरों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करके गिरफ्तारी करने की मांग की है। इन सरकारी मंत्रियों ने अगर कहीं पर गलती हो रही है तो पुलिस जाकर उन्हें रोक सकती है। BJP पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसने दी इसकी इजाज़त और इनके लिए क्यों इतने परेशान हैं? राज्य के होम मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री अपने सभी काम छोड़कर भागे भागे थाने चले आए ये मंत्री? इन्हें मंत्री के अहदे पर जनता की सेवा के लिए बिठाया गया है। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पुलिस विभाग को चलाने वाले गृह मंत्री पुलिस स्टेशन में आकर कार्रवाई करवाने पड़े हैं। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में नहीं है सही बस व्यवस्था। राज्य के शिक्षा मंत्री BC नागेश कभी कभार शिक्षा को हिजाब और स्कूल्स को भगवा रंग देने का आदेश देते हैं, लेकिन इन्हीं के क्षेत्र में कॉलेज और स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए सही बस व्यवस्था ही नहीं। आज इन्हीं के क्षेत्र बेंगलुरु के टिपटूर में कॉलेज स्टूडेंट्स अपने मंजिल को जाने के लिए हड़ताल करते दिखे। ग्रामीण भाग को जाने के लिए सही समय पर बस ही नहीं आ पाती इन छात्रों को। कई बार इस पर संबंधित विभाग से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाने से आज नाराज सभी बसेस को रोककर अपनी मांग पूरा करने को लेकर रास्ते को बंद करके हड़ताल कर रहे हैं ये छात्र। शिक्षा मंत्री BC नागेश चाहते तो चुटकी बजाकर इस समस्या को हल कर सकते थे, लेकिन उन्हें तो बजरंग दल वालों की मदद करने के लिए पुलिस थाने जो जाना था। घरों की चोरी पुलिस ने दबोचा। चोरों को बागलकोट शहर पुलिस थाना इहाते में आने वाले कई घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बागलकोट जिला SP जयप्रकाश के मार्गदर्शन में शहर पुलिस थाना की टीम और बागलकोट शहर के हरण शिकारी गली निवासी गोपाल और सुनील की गिरफ्तारी करके इनसे 1,30,000 कीमत के सोने के जेवरात को जब्त कर लिया है। पुलिस ने शहर PSI नाग रेड्डी और महिला PSI डॉडमनी एंड स्टाफ ने इस काम में अपनी अहम भूमिका निभाई है। युवक ने लगाई लॉज में फांसी। बागलकोट शहर के शक्ति सिनेमा थिएटर के पास रहे शारदा लॉज में गद्दन केरी दुकान चलाने वाले 27 साल अबू बकर बदामी ने रूम में पंखे से लटक कर फांसी लगा ली है। मौके पर पहुंची बागलकोट शहर पुलिस थाने की टीम की ओर से छानबीन जारी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कर्ज में डूबकर युवक ने ये कदम उठाया होगा। सच्चाई तो पुलिस इंक्वायरी के बाद ही बाहर आएगी। युवक की पर लॉज के बाहर इनके परिवार और रिश्तेदारों में गम का माहौल देखने को मिला। गांजे का रेड करने गए अधिकारियों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। चामराजनगर जिला गुंडलूपेट तालुका के अन्नूरू केरे गांव में बंडीपुर फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम और CEN पुलिस ने गांजे की पुख्ता जानकारी के आधार पर जॉइंट ऑपरेशन करके रेड की तो इन्हें जंगली जानवरों का गोश्त, गन और जानवरों के नाखून हाथ लगे हैं। शिवनाग शेट्टी नामी व्यक्ति की ओर से इस काले धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के साथ साथ 6 गांजे के पौधे, 5 किलो हिरन का गोश्त और शिकार के लिए इस्तेमाल आने वाली पिस्तौल को हिरासत में लिया है पुलिस ने। नकली क्लिनिक्स पर ताला लगाया अधिकारियों ने। कल ही बेंगलुरु के एक नकली डॉक्टर की ओर से महिला के साथ हुए बड़े धोखे के बाद हेल्थ विभाग के अधिकारियों की ओर से नेल मंगला में रहे कई नकली क्लिनिक्स पर उनके सभी दस्तावेजात की जांच पड़ताल करके तालुका हेल्थ ऑफिसर हेमावती एंड पुलिस की टीम ने
ताला लगाकर इन्हें सील किया गया है। इस काम को अगर सरकारी अधिकारी पहले ही करते तो कई मासूम लोग इन नकली डॉक्टर्स के झांसे में फंस नहीं पाते। आज भी जनता को पता नहीं चल पाता कि कौन सा डॉक्टर असली है या नकली। भोली भाली जनता को तो अपनी बीमारी दिखानी होती है, असली है या नकली पता लगाना तो सरकार का काम है। राज्य भर में न जाने ऐसे कितने नकली डॉक्टर्स होंगे जो जनता की सेहत के साथ खेल रहे हैं। बिजली के मीटर के लिए रिश्वत मांग रहा अधिकारी फंसा लोकायुक्त की जाल में। बेंगलुरु बसवेश्वर नगर में रहे बेस्कॉम बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड के जूनियर इंजीनियर आनंद ने मंजेश नामी व्यक्ति से घर के बिजली मीटर के लिए 50,000 रिश्वत की मांग की थी। इस पर मंजेश ने लोकायुक्त से शिकायत करने पर रंगे हाथों लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आनंद की गिरफ्तारी की है। हजारों की तनख्वाह लेने के बावजूद भी इन सरकारी अधिकारियों को रिश्वत क्यों दे जनता? देश में कब बंद होगा भ्रष्टाचार का ये काला बाजार? ऑनलाइन डिलीवरी की आड़ में गांजा सप्लाई। बेंगलुरु सीसीबी पुलिस ने की नकली डिलीवरी बॉय की गिरफ्तारी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्विगी और जोमैटो के टी शर्ट पहनकर फूड की जगह बैग में गांजा सप्लाई किया करता था। ये व्यक्ति बिहार मूल निवासी को गिरफ्तार करते हुए कुल 10 लाख कीमत का गांजा, एमडीएमए टैबलेट्स और कई नशीली सामग्री बरामद हुई है इस डिलीवरी बॉय के बैग से। पीएसआई ने की रास्ते की मरम्मत। मैसूरू नंजनगुड़ ट्रैफिक थाना की महिला पीएसआई यास्मीन ताज ने इन खराब रास्तों को देखते हुए वाहन सवारों की समस्या को सुलझाने के लिए आगे आकर इन रास्तों की मरम्मत की है। महिला पीएसआई यास्मीन ताज ने मैसूरू गुंडलुपेट एनएच के पास इस खराब रास्ते से कई दुर्घटनाएँ हो रही थी। इनके काम पर जनता में खूब सराहना की जा रही है। 5 साल से दी जा रही है एक्सपायर्ड दवाइयाँ। कोप्पड़ कुष्ठगी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 5 साल पहले ही डेट एक्सपायर हुए गोलियां और दवाई दी जा रही है यहां आने वाले मरीजों को। इस पर आज तक कोई हेल्थ ऑफिसर हो या जनप्रतिनिधि ने यहां आकर देखने की कोशिश भी नहीं की। जनता को क्या पता क्यों के ग्रामीण भाग में सरकारी हॉस्पिटल यानी उनके लिए एक वरदान की तरह होता है और ज़्यादातर यहां पढ़े लिखे भी नहीं होते कि दवाइयों के एक्सपायर डेट देख सके। कई मस्जिदों का दौरा किया वक्फ चेयरमैन शफी सादी ने। कर्नाटका वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सादी ने बेंगलुरु के शिवाजी नगर में रहे सभी मुस्लिम इदारों का दौरा करके सही जानकारी इकट्ठा की। इनके स्पॉट इंस्पेक्शन के बाद कई घोटाले सामने आने की खबर भी पता लगी है। कुछ वक्फ के इदारों में पता लगा कि कमेटी से ताल्लुक न रखने वाले लोग आकर वहां से किराया वसूल करते हैं, जबकि इन घोटालों में हुए इदारों का किराया सीधे तौर पर वक्फ कमेटी को जाना होता है। चेयरमैन साहब इसी तरह स्टेट भर में दौरा करेंगे तो कई वक्फ इदारों के घोटाले बाहर आ सकते हैं और चोरों को जेल की सलाखों के पीछे भी डाला जा सकता है। 2014 बीजापुर दंगों में एमएलए यतनाल सहित 58 लोग हुए निर्दोष साबित। 2014 26 मई को पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही पीएम मोदी ने शपथ ली तो उसी समय पर आज के बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने शहर के सिद्धेश्वर मंदिर से विजय उत्सव रैली करके गांधी चौक में आते ही पथराव मारपीट और दंगे की शक्ल में घटना पेश आई थी। इस पर एमएलए यतनाल और बाकी लोगों पर 22 अलग अलग मामले दर्ज हुए थे। इनकी ओर से बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट में वकील श्रीनाथ कुलकर्णी ने इंसाफ की मांग की तो आज बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट ने बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यतनाल सहित 58 लोगों को निर्दोष साबित किया है कोर्ट ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।